नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों देख सकते हैं, अभी मेरे पास हुंडा कंपनी के एविएटर स्कूटर है। देख सकते हैं इसके यानी कि पूरे पार्ट जो होता है ना, देख सकते हैं डिक्की वगैरह सब हम लोगों ने ओपन कर दिए हैं। ये भी दोस्तों देख सकते हैं, ये भी ओपन कर दिए दोस्तों। अगाड़ी के भाइजर वगैरह सब ओपन कर दिए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ भी दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ भी दोस्तों हम लोगों ने ओपन करके पूरे रख दिया है दोस्तों, ठीक है। यानी कि बॉडी जितना भी ये स्कूटर के है ना, सब ओपन करके रख दिया है दोस्तों, ठीक है। देख सकते हैं बॉडी हम लोगों ने इधर रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर में ये स्कूटर में क्या प्रॉब्लम है कि सब पूरा के पूरा बॉडी ओपन कर दिया है इसके, ठीक है। तो दोस्तों हम एक्चुअली में हम आपको बता दें तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम है सिर्फ करंट के लेकर, ठीक है। इसमें करंट की बहुत काफी ज्यादा प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, ये स्कूटर जो है ना मेरे गैरेज में नहीं है दोस्तों, मेरे गैरेज से लगभग 20 किलोमीटर दूरी में हम आए हैं ये करंट की सॉल्व करने के लिए। दोस्त के गैरेज में ये मेरे स्कूटर पड़ी हुए है दोस्तों, करंट की प्रॉब्लम को लेकर दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम सॉल्व करने आए हैं, ठीक है। और मेरे दोस्त ने क्या क्या किया है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये नया सीडीआई डाला हुआ है, देख सकते हैं ये न्यू सीडीआई दोस्तों। हाँ, सही सुना दोस्तों आपने, ठीक है, ये न्यू सीडीआई देख सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ है दोस्तों, आप वायरिंग भी यहाँ देख सकते हैं, वायरिंग भी नया है दोस्तों, ये पूरे वायरिंग नया है दोस्तों। हम आपको इधर भी बता दें, देख सकते हैं ये पूरे न्यू वायरिंग है दोस्तों, ठीक है, यहाँ भी हम आपको बता देते हैं। और इसके संग संग है दोस्तों, ये बैटरी भी नया डाला हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं ये पूरे न्यू वायरिंग है, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं इसके जो पुराना वायरिंग है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसके पुराना वायरिंग यहाँ पड़ा हुआ है, देख सकते हैं, यानी कि वायरिंग भी इसमें चेंज किया गया है दोस्तों, ठीक है। और कुछ नहीं प्रॉब्लम है, सिर्फ करंट नहीं आ रहा है, उसके कारण इसमें वायरिंग भी न्यू डाल दिया है मेरे दोस्त ने। और दोस्तों रेक्टिफायर भी हम आपको बता देते हैं, रेक्टिफायर यहाँ देख सकते हैं, जो RR यूनिट हम लोग बोलते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, RR यूनिट भी नया डाल दिए। और ये बैटरी भी नया है, और ये वायरिंग वगैरह सब नया है दोस्तों, देख सकते हैं पूरे वायरिंग नया है दोस्तों, ठीक है। और इसके पुराना रेक्टिफायर दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये पुराना रेक्टिफायर है, तो भी दोस्तों इसमें करंट की बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों, हम आपको जितना भी बताऊँ वो कम है, ठीक है। तो भी इसमें करंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से जो करंट होता है ना दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ से जो करंट है ना, वो करंट बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है दोस्तों। नया हाई टेंशन कॉइल है, ये भी मेरे दोस्त ने इसमें डाल दिया है, तो अभी करंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम आए हैं इसके करंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में हम आपको बताएं ना, तो करंट की प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गया है दोस्तों, करंट की प्रॉब्लम जो है ना वो एकदम सही हो चुका है दोस्तों, करंट भी आ गया है और स्कूटर भी स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो एक्चुअली में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो चलिए हम सबसे पहले हम शुरू से हम आपको बताएंगे कि हम इसमें कैसे कैसे चेक किया और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ मल्टीमीटर लेकर आए हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये मल्टीमीटर है, ठीक है। तो मल्टीमीटर हम सबसे पहले हम आपको यूज करके बताएंगे कि एक्चुअली में कहाँ पर इसके प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देख सकते हैं ये मैग्नेट कॉइल से आया हुआ वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, तो देख सकते हैं पीला वाला जो वायर है ना, ये करंट के विषय में कोई हमको मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना, ये लाइटिंग तौर पे काम करता है। और ये पूरा उजला कलर के वायर है, ये भी करंट के लेना देना में हमको कोई काम नहीं होता है, लेकिन ये भी दोस्तों है ना, ये बैटरी चार्जिंग के तौर पे काम करता है। और दोस्तों ये वाला वायर पिकअप कॉइल का वायर है, ठीक है। और ये वाला वायर जो है ना, ये एसी करंट डायरेक्ट स्टार्टिंग कॉइल का वायर है, यहाँ से सीडीआई में जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पिकअप कॉइल हम आपको चेक करके बताएंगे, पिकअप कॉइल एकदम सही है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मल्टीमीटर, ठीक है, यहाँ कंटिन्यूटी मोड पर हम लोगों ने सेट कर दिया है, यहाँ देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी मोड है। यहाँ सबसे पहले हम पिकअप कॉइल चेकअप करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब एक मल्टीमीटर के वायर दोस्तों हम यहाँ सेट करेंगे, यहाँ लगाएंगे पिकअप कॉइल के वायर में। और एक मल्टीमीटर के वायर दोस्तों ये देख सकते हैं, हम यहाँ बॉडी में टच करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं 288 बता रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हमको ये पता चलता है कि पिकअप कॉइल का जो वायर है ना, एकदम सही है, ठीक है। और पिकअप कॉइल भी सही है, ठीक है, पिकअप कॉइल के कोई दोष नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम चेक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं ये स्टार्टिंग कॉइल का वायर है, जो एसी करंट इसमें आता है और डायरेक्ट यहाँ से सीडीआई में जाता है, ठीक है। तो चलिए हम ये भी चेक करेंगे, तो ये भी कंटिन्यूटी मोड पर ही हम चेक कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं मल्टीमीटर भी कंटिन्यूटी मोड पर ही लगा हुआ है, ठीक है। तो एक मल्टीमीटर के वायर दोस्तों ये देख सकते हैं, जो यहाँ काला पे लाल लाइन बना हुआ है। और एक मल्टीमीटर के वायर दोस्तों हम बॉडी से टच करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं 3 से 10, 11, 12 या बढ़ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं 15, 11 दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हमको ये पता चलता है कि स्टार्टिंग कॉइल जो है ना एसी करंट, ठीक है, स्टार्टिंग कॉइल
वो एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है, उसके भी कोई दोष नहीं है दोस्तों। और एक मल्टीमीटर से भी हम आपको चेक करके ये बताए हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला वायर में एक वायर जोड़ के और बॉडी में टच करेंगे तो करंट आता है, तो हमको ये पता चलता है जब करंट की झटका आ रहा है तो हमको ये पता चलता है कि स्टार्टिंग कॉइल एकदम सही है। लेकिन हम इसमें भी वायर लगा के और बॉडी में टच किए हैं दोस्तों, करंट की झटका जो होता है ना एकदम प्रॉपर दे रहा है, तो हमको ये पता चलता है कि स्टार्टिंग कॉइल एकदम सही है। स्टार्टिंग कॉइल भी ये स्कूटर में एकदम सही है और पिकअप कॉइल भी ये स्कूटर में एकदम सही है दोस्तों। तो एक्चुअली में ये साला स्कूटर में कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट दोस्तों ये प्यारा सा एक CDI में हम आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये CDI भी डाल के हम भी दोस्तों आधे घंटा बहुत कन्फ्यूज में पड़ गए थे, ठीक है, कि आखिर में स्कूटर में हुआ क्या है, करेंट ही नहीं आ रहा है दोस्तों। हम भी आधे घंटा बहुत परेशान हो गए दोस्तों, और दिमाग लगाने के बाद हमको पता चला कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये CDI जो है ना, इसमें भी दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये हरा वाला जो वायर है, यहाँ आप देखिएगा ये हरा वाला वायर में भी बॉडी अर्थिन हम चेक किए हैं, ठीक है। बॉडी अर्थिन भी प्रॉपर आ रहा है, इसमें कोई दोष नहीं है। बॉडी अर्थिन ये कंटिन्यू मोड पर हम चेक किए हैं, बॉडी अर्थिन भी आ रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये वाला वायर में भी हम पिकअप कॉल को वायर चेक किए हैं कि बीच में कहीं यानी कि टूटा हुआ होगा या कहीं कट गया होगा। लेकिन दोस्तों ये नया वायरिंग डाला हुआ है तो उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि नया वायरिंग में ऐसा हो सकता है, तो वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला वायर में भी हम चेक किया है लेकिन पिकअप कॉइल की रेंज सही दिखा रहा है, बॉडी अर्थिंग भी सही दिखा रहा है। और AC करेंट जो है ये जो हम आपको चेक करके बताए, इसमें भी वायर डाल के और झटका भी देखा हुआ है, यानी कि करंट की झटका आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी हम चेक किए, वो भी सही है दोस्तों, सब सही है दोस्तों, ठीक है। तभी करंट नहीं आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हम भी बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ गए दोस्तों कि आखिर में वायरिंग की प्रॉब्लम कहाँ पर है। वायरिंग भी नया है, CDI भी नया है, हाइड्रोजन कॉइल भी नया है, तभी करंट नहीं आ रहा है दोस्तों। हम भी कन्फ्यूजन में पड़ गए थे और थोड़ा देर के लिए टेंशन भी हो गया दोस्तों, ठीक है, कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ पर है दोस्तों। लास्ट में दोस्तों हम आपको बता दें, देख सकते हैं ये CDI एक नया है, यानी कि ये नया है और ये पूरा देख सकते दोस्तों, ये नई CDI है, देख सकते हैं ये नए ही CDI मेरे दोस्त ने कंपनी से किनकर यानी कि परचेस कर खरीद कर ले आया है, देख सकते हैं ये नया है। यहाँ कोड वगैरह यहाँ दिया है दोस्तों, देख सकते हैं ये नए CDI है, आप देख सकते हैं दोस्तों नया है। तो ये पुराना वाला ये भी डालकर हम यानी कि चेक किया कि करेंट आ रहा है कि नहीं, करेंट ही नहीं आ रहा है दोस्त, ये भी हम डाल के चेक किया है, करेंट ही नहीं आ रहा है दोस्तों। चलिए एक्चुअली में हम आपको करेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है हम ठीक इस करके हम आपको पहला बता देते हैं दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं हम करेंट चेक करें, देख सकते हैं दोस्तों करेंट नहीं आ रहा है, दोस्तों आप देख लिया इसमें करंट बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम आपको बता देते हैं दोस्तों, ये जो CDI है ना ये DC CDI है। लास्ट में हमको दिमाग लगाने के बाद, दिमाग के जो मोमबत्ती होता है ना वो जलाने के बाद हमको पता चला कि ये CDI DC है, ठीक है, और ये भी CDI DC है, ठीक है, और ये भी CDI DC है, और ये तीनों के तीनों जब DC CDI इसमें हम डालेंगे तो कहाँ से करंट आएगा दोस्तों, आएगा नहीं आएगा ना। तो दोस्तों इसलिए हम कन्फ्यूजन में पड़ गए थे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, एक CDI हम आपको बताते हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये CDI, देखिए ये CDI, ये CDI AC CDI है, ठीक है, देख सकते हैं ये CDI और ये CDI दोस्तों, आप देखिए आपको फर्क देखने को मिलेगा, देख सकते हैं ये इसका साइज बड़ा है और ये इसका साइज छोटा है, देख सकते हैं ये CDI का साइज छोटा है और इसका CDI, ये CDI बड़ा है, ठीक है। तो ये जो CDI है ना ये AC CDI है, ठीक है, और ये जो CDI है DC CDI है, ये भी CDI DC है और ये भी CDI DC, यानी कि तीनों के तीनों CDI DC है। तो कहाँ से करंट आएगा, नहीं आएगा ना दोस्तों, क्योंकि ये DC CDI है और ये जो स्कूटर है ना ये ओल्ड मॉडल के, ये हीटर स्कूटर है और इसमें AC CDI लगा रहता है। लेकिन दोस्तों ये देखिएगा ये AC CDI है और ये भी पुराना है, लेकिन ये CDI हम कहाँ से लेकर आए, तो दोस्तों एक चीन जान का मैकेनिक था, उसके गैरेज में जाके और उसके स्कूटर से निकाल के हम CDI ले आया है, और इसमें जब हम डालेंगे तो करंट एकदम फटाफट आएगा दोस्तों और स्कूटर एक शॉट में स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए ये CDI हम निकालेंगे और ये CDI इसमें हम इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों ये सॉकेट देख सकते हैं हम पहला इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। बहुत परेशान किया है ये स्कूटर ने दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है दोस्तों, और दोस्तों कस्टमर भी एकदम बहुत डिप्रेशन में चला गया था दोस्तों
कि मेरे स्कूटर में आखिर में क्या हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों डिप्रेशन नहीं पड़ना है, सीधा फोकस करना है मेरे बात पर दोस्तों, ठीक है। देखिए ये न्यू CDI हम निकाल दिए हैं, ठीक है, और ये CDI हम इसमें यूज करेंगे। देख सकते हैं इसके साइज देखिए, ये बड़ा है, ये CDI है, और इसके साइज दोस्तों देखिए, ये DC CDI है, छोटा साइज है, देख सकते हैं, आपको फर्क देखने को मिलेगा, ये CDI में अंतर देखने को मिलेगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये CDI हम इसमें लगाएंगे दोस्तों। दोस्तों दिमाग खराब है, अभी भी दिमाग हीट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप फोकस करिएगा मेरे बात पर। तो दोस्तों देख सकते हैं AC CDI इसमें इंस्टॉल कर दिया है दोस्तों, देख सकते हैं, और ये तीनों CDI यहाँ है दोस्तों, एक बार और देख लीजिए, देख सकते हैं ये तीनों की तीनों CDI इसमें डालकर हम करेंट चेक किया है, लेकिन करेंट आने का सलाह नामे नहीं ले रहा है। तो चलिए इसके हम यहाँ बीक देते हैं दोस्तों। अभी भी दोस्तों यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि टेंशन है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये CDI हम लोगों ने डाल दिया है, ठीक है। अब दोस्तों हम चेक करेंगे ये वाला वायर में, देखिए कि करेंट एक्चुअली में आता है कि नहीं आता है। चाबी हम ऑन कर लेते हैं, चाबी ऑन है, अब हम करेंट देखेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं करेंट, तो देख सकते हैं यहाँ से करंट आना शुरू हो गया है दोस्तों, यानी कि ये स्कूटर में प्रॉब्लम जो है ना वो एकदम अच्छा तरह से सॉल्व हो गया है दोस्तों। ये स्कूटर में एक्चुअली में कहाँ पर प्रॉब्लम था, तो ये CDI का ही प्रॉब्लम था दोस्तों। देख सकते हैं ये AC CDI डालने के बाद ये स्कूटर में पूरा झमेला खत्म हो गया, यानी कि पूरा स्कूटर एकदम अच्छा हो गया दोस्तों। एक शॉट में भी ये स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ के जो हाई टेंशन क्वाइल है ये पुराना ही है दोस्तों, ठीक है। हम हाई टेंशन क्वाइल नया यहाँ है दोस्तों, देख सकते हैं ये नया यहाँ है, नया डालने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यही हाई टेंशन क्वाइल से यानी कि ये स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलिए एक बार हम यहाँ फिट करते हैं और स्टार्ट करके हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये प्लग कैप की जो प्लग कैप है प्लग में इंस्टॉल कर दी है, और चलिए हम आपको स्टार्ट करके बताएंगे। दोस्तों देख सकते हैं एक किक में ये स्कूटर स्टार्ट हो गया, यानी कि अब दिल खुश हो गया दोस्तों। बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गए थे हम लोगों ने, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।